Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वे 53 साल के थे और काफ़ी समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान खान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबीन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद बुधवार 29 अप्रैल को उनके निधन की खबरें आई। वो अपनी सेहत को लेकर काफ़ी समय से परेशान थे, लेकिन वो एक फाइटर थे। उन्होंने कैंसर से जंग जीतने की इच्छा जाहिर करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। इरफान खान ने इसी साल मार्च महीने में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये दौर रोलर कोस्टर राइडर जैसा है, जिसमें हम थोड़ा रोए और ज़्यादा हंसे। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैं बहुत ही भयंकर बेचैनी से गुजरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसे कंट्रोल किया। ऐसा लग रहा था मानो कि आप लगातार अपने हाथ हॉप स्कॉच खेल रहे हो। एक्टर ने बताया कि इस वक्त को मैंने अपने लिए जिया। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने बेटों के साथ बहुत वक्त बिताया, उनको बड़ा होते देखा। टीनेज के लिए ये बहुत ही अहम वक्त होता है। जैसे मेरा छोटा बेटा है, बड़ा वाला अब टीनेज नहीं रहा। पत्नी सुतापा सिकंदर के बारे में बातें करते हुए उन्होंने कहा कि उसके बारे में क्या कहूँ, वो मेरे लिए सातों दिन 24 घंटे खड़ी रही, मेरी देखभाल की और उनके कारण मुझे बहुत मदद मिली। इरफान ने कहा कि मैं अभी तक हूँ, इसकी वो एक बड़ी वजह है, और अगर मुझे जीने का मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए जीना चाहूँगा। इरफान हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे। वो इससे रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी बीच उनकी माँ के निधन की खबर आई और तुरंत इरफान की हालत बिगड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई। इरफान के रूप में इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन इंसान और एक बेहद टैलेंटेड एक्टर को खो दिया है। इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस तक सभी को हिलाकर रख दिया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।